भी भाई साहब एक नंबर के भुलक्कड़ है। आपका ये कवाग्राफ का काम हो जाए तो टिफिन मठ में पहुंचा दीजिएंगे। आपकी समझ में नहीं आता का एक बार में पार्वती का सामान के साथ छेड़छाड़ करने का आज्ञा किसी को नहीं है। आज उसने जो भी किया वो ठीक नहीं था, पर जिस दिन उसे अपनी भूल समझ आएगी ना वो तुमसे माफी मांगेगा। ये पुलाव आज ही बुआ के लिए, और जैसे ही वो इसे खाएंगे ना खूब मिर्ची लगेगी उन्हें। इतना ज्यादा पुलाव मैं नहीं खा सकती है। अपना थाली आप हमें दे दीजिए, ये थाली में पुलाव कम है। पापा पुलाव मत खाइए, अच्छा नहीं है। क्या बात कर रही हो, पुलाव तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। मैं तो कहता हूँ रायते के साथ खाओ आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पापा मत खाइए ना, अच्छा नहीं है। अधिका बेटा आप चिंता मत कीजिए, हम खा लेंगे। बेटा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल काहे हो रखा है? नहीं नहीं माम, हम ठीक है। राधिका ने जरूर कोई फैतानी की है तभी रोक रही है भाई पाप को। पता करना पड़ेगा चक्कर क्या है। आज गंगा ने पहली बार खाना बनाया है, अगर हमने कुछ कहा तो उनका मन दुखी हो जाएगा। बेटा अरे खाना छोड़ के चला गया, कहाँ हुआ? शिव इस तरह अचानक उठकर क्यों चले गए? पापा पानी पी लीजिए, आपने इतनी मिर्ची क्यों खाई? आपको तीखा लग रहा होगा ना? सॉरी पापा। अरे आप काहे माफी मांग रहे हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने थाली में बहुत सारी मिर्च डाल दी थी आशी बुआ को तंग करने के लिए, लेकिन वो थाली आपने ले ली। तभी तो मना कर रही थी कि आप खाना मत खाइए, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। सॉरी पापा। देखो बेटा आप जो भी किए हैं वो अच्छा नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत शरारत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके शरारत से किसी को तकलीफ पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, तो वो बात अच्छा नहीं है। आज अगर ये पुलाव आपकी आसी बुआ खा लेती तो क्या होता? आप जानते हैं कि उनको मिर्चा अच्छा नहीं लगता, नुकसान करता है उनको, उनका तबीयत बिगड़ सकता था। सॉरी पापा, मैं अभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो पुलाव का एक भी निमाला आशी बुआ खा लेती तो वो तो थाली फेंक देती। आपने इतने सारे मिर्च कैसे खा ली और बताया भी नहीं कि आपको मिर्ची लग गई है? क्योंकि आज हम अनजाने में किसी का बहुत अपमान करते हैं, पता नहीं अपना गुस्सा को काबू में ही नहीं कर पाए और का अनाप शनाप पकती है हम उनको। और आज खाना वो ही बनाए थे जिनका हम अपमान किए, इसलिए जब हम पुलाव खाए तो हमें बहुत मिर्चा लगा। हम सोचे कि गलती तो किसी से भी हो सकता है कि गलती से मिर्चा ज्यादा पड़ गया, इसलिए हम खाते रहे। अगर हम सबके सामने ये कहते कि पुलाव में मिर्चा बहुत ज्यादा है तो सोचिए उनका कितना निरादर होता, इसलिए हम खाते रहे जब तक हम सहन कर पाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम आपको फिर कभी समझाएंगे, अभी आप हमारा फिक्र करना छोड़िए और जाकर खाना खाइए, जाइए चलिए। देखिए
शायद अपने जीवन में हम आपको कभी पार्वती की जगह तो ना दे पाए, लेकिन लेकिन एक बात का विश्वास आज आपको दिलाते हैं कि आज के बाद आपका निरादर कभी नहीं करेंगे हम। कभी नहीं करेंगे। चाची, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। अरे कोई बात नहीं, ये खाना तभी तो तुम्हारे लिए रखा है ना, खिलाते हैं। बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए रखा है। अच्छे से खाना है। कैसा लगा? कुछ खास नहीं है ना। तुम जानती हो विव भाई फाप को भी ना खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, इसीलिए बीच में ही छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं है चाची, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आशी बुआ की प्लेट में मिर्ची मिला दी थी ताकि उन्हें मिर्ची लगे और वो चिल्लाए और नई दुल्हन को डांट पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो प्लेट पापा के पास चली गई, पापा को मिर्ची लगी इसलिए वो छोड़ के खाना चले गए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा को कितनी मिर्ची लगी, कितनी तकलीफ हुई उन्हें। ये लड़की नरम पड़ गई तो मेरा काम कैसे बनेगा? गुड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हम कह रहे हैं ना, एक सब गलती हो गंगा भाभी की। गंगा भाभी ने आपकी की थाली तुम्हारे पापा को दी, इसीलिए पापा को खाना खाते ही मिर्ची लगी और वो उठ के चले गए। गंगा भाभी चाहती ना तो आफी की थाली पे वो पुलाव को कम कर सकती थी। वो थाली भाई फाप को देने की कोनो जरूरत नहीं थी, इसीलिए बोल रहे इतनी बातें मत करो, चलो जल्दी जल्दी खाओ, होना भी है। चलो, सुनती नहीं है मेरी बात। अच्छा हुआ राधिका तुम यहाँ पर खाना खा रही हो, हम तुम्हारे कमरे में खाना लेकर गए थे, तुमने ठीक से खाया नहीं है ना। मुझे आपका बनाया हुआ खाना नहीं खाना है। अरे अरे, इसको हम जरा ठीक करके आते हैं। अरे फोन, कल ही होनी है पगड़ी की रस्म, तो पता ना क्या करना है। फिर से फोन नहीं करेंगे हम, एक बार समझा दिया ना बस। आपकी बहुत याद आती है, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है दादू पापा के लिए नई दुल्हन ली है, अगर वो मेरे पापा को मुझसे छीन लेगी तो मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी माँ। अगर आप यहाँ होते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो नई औरत घर में आती ही नहीं। प्लीज माँ, प्लीज आप वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। ये भगवान क्या करूँ इसका मैं, दिन भर जबान चलती है इसकी और रात में पांव। दूसरों की नींद खराब कर कैसे आराम से सो रही है। ए झुमके उठो। अरे कभी तो ढंग से सोया करो, जब देखो तांडव करती रहती हो। अरे कितनी जोर से चिल्ला रही, कहाँ तांडव, किधर तांडव चल रहा है? अरे बार बार लात मार रही हो हमको। अरे अरे फौरी जी फौरी, जानबूझ के तो करते नहीं है, ये हो जाता ना कभी कभी। कभी कभी रोज का नाटक है तुम्हारा, अगर तुम तरीके से नहीं सोने वाली ना, मैं इस कमरे में नहीं सोने वाला हूँ। अरे माफी मांग रहे ना, कब से मान जाइए ना। अच्छा आज के बाद जोर से लात नहीं मारेंगे। हाँ? मतलब मारोगी? मतलब मतलब नहीं मारेंगे, माफ कर दीजिए ना। समय कौन आ गया? हम देखते हैं, हम हाँ देखो, देख रहे देख रहे। राम
अरे भाई साहब प्रताप यहाँ आइए। जी भाई सर। जरा बाहर आओ, उनसे बात करना है। चलिए। भाई साहब को प्रताप से आप कहाँ बात करनी है? प्रताप पिछले 4 महीनों का हिसाब देख रहे थे हम। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। खा भाई साहब, सब ठीक ही तो है। 1000-2000 रुपए का ही फर्क है। मुनीम जी बूढ़े हो रहे हैं तो गलती हो गया होगा। आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। नहीं प्रताप, मठ की राशि का हिसाब हमारा जिम्मेदारी है। अरे 2000 तो बहुत बड़ा रकम है, हम तो 1 रुपया इधर से उधर नहीं होने देंगे। कल ही जाके पता लगाते हैं कि 2000 रुपए गया कहाँ। जी जी भाई साहब। दिखाइए। बोलिए कब? हम अभी पहुंचते। क्या हुआ भाई साहब? छोटू का तबीयत खराब हो गया है, हमें अभी के अभी मठ जाना होगा। अगर समय से दवाई दे दिए तो हो सकता है कि समस्या टल जाए। ठीक है, चलते हैं। हम भी आपके साथ चलते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, तुमको आने का कोई जरूरत नहीं। रात बहुत हो गया है, तुम कमरे में जाकर आराम करो। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम फोन कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, जाओ। जाइए जाइए भाई साहब, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा लीजिए आज की रात, क्योंकि कल का दिन मठ में आपका आखिरी दिन होगा। उसके बाद आपकी जगह और ये सब हम संभालने वाले हैं। गए शिव बेटा। दाई माँ, हमेशा आपको कैसे पता चल जाता है कि हम आ गए? जानबूझकर हम दबे कदमों से आए ताकि आपका नींद ना खुले, लेकिन आप हमेशा जाग जाती हैं। अपने शिव से जन्म का नहीं आत्मा का रिश्ता है। तुम कितने भी दबे पाव चले आओ, हमें पता चल जाता है। भूख लगी होगी ना शिव? ठीक से खाना भी नहीं खाया तुमने। नहीं दाई माँ, हमको कुछ नहीं चाहिए। वैसे आप काहे कष्ट उठा रही हैं? सो जाइए ना। अरे हमें कोई कष्ट नहीं होने वाला, और हम क्यों खाना लगाएंगे तुम्हारे लिए? अब बहू जो आ गई है ना, हम उसे कह देंगे। नहीं दाई माँ, कोनू जरूरत नहीं। ऐसे खाली पेट हम तुम्हें नहीं सोने देंगे शिव। ये लो, बहू भी आ गई। बहू, शिव के लिए खाना लगा दो, उसे भूख लगी होगी। दाई माँ, हमने कहा ना कोई जरूरत नहीं है खाना परोसने का। कोई भूख नहीं है, दोनों सो जाइए आप। ठीक से खाना भी नहीं खाया और पानी पीकर सो जाएगा। हर रोज रात ऐसे ही होता है। इतनी तपस्या करेगा शिव? पार्वती बहू के गुजर जाने के बाद बैरागी हो गया है शिव। पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है वो अपने आप को। तुमने भी खाना नहीं खाया है ना, जाकर खाना खा लो। तुम दोनों ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा बहू? हम सिर्फ अपने हक का खाएंगे दाइमा। घर वालों की जली कटी सुनकर हमसे नहीं खाया जाएगा। इतने फारे लोग हैं घर में, लेकिन फारा काम मुझ माफूम को ही करना पड़ता है। किसी को दया नहीं आती हम पे। सोचा था नई बहू आएगी, हमारी मदद हो जाएगी, लेकिन उसके भी आने का कोई फायदा ही नहीं है। हम बच गए। क्या देखिए तो, और बता, इतने चटकदार कपड़े पहन के कहे जा रहे? आज के राजा तो भाई पाद है, आपको कोई पूछने भी नहीं वाला वहाँ पर। तुम अपना काम करो, अपनी मोटी अकल पे ना ज्यादा जोर मत दिया करो। ये तो समय ही बताएगा
कि आज का राजा कौन है, हम या शिव भाई साहब? बाबूजी, आज हमको मठाधीश का पद मिलने जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि कौनो आपका स्थान नहीं ले सकता। आप अपना अच्छा कर्मों से जो मान सम्मान कमाए, गांव वालों के मन का विश्वास पाए, स्नेह पाए, बहुत बड़ा बात है। हम तो आपका पांव का धूल समान भी नहीं है। लोग भले ही हमको मठाधीश क्यों ना बना दें, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि हम आजीवन आपके शिष्य बनकर रहेंगे। आप जिस श्रद्धा से इस मठ को संभाले हैं, हम एक सहयोगी का तरह उसका देखभाल करने का पूरा कोशिश करेंगे। बस आशीर्वाद दीजिए कि हम आपका बताए रास्ते पर चल सके और कोनो हमसे निराश ना हो। बस आप बोले थे कि पदवी के साथ बहुत सारा जिम्मेदारी आता है, हम वो सारा जिम्मेदारी निभाएंगे जो आप हमको देकर गए हैं, और खासकर वो जिम्मेदारी जो आप जाने से पहले हम पर सौंप कर गए थे, गंगा का जिम्मेदारी हम सब निभाएंगे। बस सबका आशीष बना रहे। कहाँ हुआ बाबू? अब गले का हार रह गया, हम अलमारी से निकाल के आते हैं। सुंदर लग रही हो बहू, तुम्हें देखते ही सब समझ जाएंगे कि यही है जहाँ परिवार की बड़ी बहू। दाइमा, आपको माजी बुला रही है। ये पहनकर जल्दी आ जाओ। गंगा भाभी, आप बहुत सुंदर दिख रही हैं, एकदम गुड़िया। चलते हैं। से नहीं पहना जाएगा, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नहीं जाना पड़ेगा। हम जाकर किसी को भेजते हैं आपकी मदद के लिए। इतना टाइम नहीं है, तुम ही लगा दो ना प्लीज।